खबरारे जनपद बहराइच से पंजाबी फिल्म के मशहूर अभिनेत्री और किसान आंदोलन में साथ रहने वाली सोनिया मान पहुंची मटेरा के मोरनिया गांव में। वहीं मृतक किसान के परिजनों से मिली सोनिया मान। प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप, मृतक किसान के झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई है। वहीं मृतक किसान गुरविंद्र सिंह के मोनू मिश्रा ने मारी है गोली, लेकिन पीएम रिपोर्ट में नहीं आई गोली लगने की बात। दोबारा करवाया जाए सबका पोस्टमार्टम, दिल्ली में करवाया जाए पोस्टमार्टम। जब तक दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक नहीं होगा अंतिम संस्कार। बीजेपी की योगी सरकार पर जमकर बोला हमला। क्या माने हैं आप? देखिए पूरी रिपोर्ट प्रीतम सिंह के साथ। भाई को गोली मारी गई मोनू मिश्रा जी ने, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन्होंने गलत दिखाया है कि गोली नहीं है, डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है। हमने वीडियो भी बनाई है, कान की तरफ से गोली बजी है, गोली लगने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, और यहाँ पे झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई गई है जहाँ पे गोली का निशान नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिर से दोबारा से पोस्टमार्टम होगा बॉडी का, वहाँ से किया जाएगा जहाँ सुजुक किसान मोर्चा और हर कोई व्यक्ति यहाँ से फैसला लेगा। तब तक बॉडी को यहाँ पे अंतिम यात्रा के लिए नहीं भेजा जाएगा पूर्ण रूप से। और ये डेमोक्रेसी है आप बोलिए? आज ये है, मंत्री का बेटा है, उसको बचाने के तौर पे इन्होंने झूठी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बना दी जहां गोली बजने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। ये मामला यहां दबने वाला नहीं है, ये मामला आगे तक जाएगा जब तक इनका इंसाफ नहीं हो जाता ना, और जब तक ये मोनू मिश्रा को जेल के अंदर नहीं बंद कर देते तब तक डेड बॉडी यहीं पे पड़ी रहेगी। पोस्टमार्टम कहां चाहती हैं आप? देखिए जहां सुजुक किसान मोर्चा लीडर आएंगे अभी, जहां पे आंखों के सामने अच्छे डॉक्टर के यहाँ पे, और ये जो डॉक्टर ने गलत किया है ना, इनको भी सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इनके ऊपर इनको सस्पेंड किया जाए। ये डॉक्टर के नाम पे कलंक है जिन्होंने झूठे पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दी। भैया ऐसे कैसे बना सकते हो आप? ऐसे लोगों हमें यहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा था। ये गुंडागर्दी है यूपी की, हमें कितनी जगह पे रोका गया, कहाँ जा रहे हो? हम झूठ बोल बोल के गुरुद्वारा साहब जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बोल बोल के यहाँ तक पहुँचे हैं। रोका जा रहा है कैलाशपुरी पुल पे, देखिए हमें यहाँ पहुँचने नहीं दिया जा रहा, इतनी गुंडागर्दी है। हम किस बात की सियासत करेंगे? हम तो कलाकार हैं और हम अपने किसान भाइयों के लिए, अपने भाइयों के लिए खड़े रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। ये सोचना बंद कर दे योगी गवर्नमेंट की यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा, यहाँ पे हम इंसाफ लेके छोड़ेंगे। कर रहे हैं कि पानी से धुलना, किसी चीज से धुलना, हमारे सामने धुलिए, थोड़ा एक पुलिस का लीजिए आदमी, एक हमको लीजिए, हम उनके परिवार के हैं। लेकिन सर उन्होंने गेट बंद किया, लेकिन उन्होंने मतलब फिर उन्होंने हमने ज्यादा इशू किया तो उन्होंने कहा हम दोबारा कर देते, फिर दोबारा जब किया फिर उसने गेट बंद कर लिया, और हमने पूछा सर एक्सरे में क्या, उन्होंने कहा कुछ नहीं, गोली का निशान नहीं। जो भी बात है, गोली हमारे सामने, सब कुछ हमारे सबके किसानों भाइयों के सामने गोली मार के मोनू मिश्रा गया है, और ये लोग डॉक्टर सब, क्योंकि मंत्री है ना, उसके दबाव में सब हम लोगों को दबाया जा रहा है। ये चीज हम लोग को इंसाफ मिले इस चीज के, जो दोषी उनको सजा मिले। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि इनको गोली नहीं लगी, ये लिखा है ना, जबकि उनके कान से गोली बज के उनकी मृत्यु हुई है। तो ये झूठी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या दिखाती है, क्या दिखाती है झूठी रिपोर्ट? किस डॉक्टर ने बनाई है? किस डॉक्टर के ऊपर भी पर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप इधर से गोली लगी और आप प्रशासन यहाँ पे दबाव डाल रहा है कि अंतिम उनका संस्कार कर दिया जाए। कैसे संस्कार होने देंगे भाई? हम क्या इंसाफ मिलेगा? झूठी रिपोर्टें बनेंगी, ये डेमोक्रेसी है? हमें तो आप नहीं रोक सकते बोलने से। ये मीडिया अगर कवर करना चाहती है, जो बनाई गई है सिविल हॉस्पिटल की तरफ से, जहां पर ये मेरे पास वीडियो है, आज तो हमारे पास डेड बॉडी पड़ी है जहां पर गोली लगी गई है, गोली की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी, और गोली किसने लगाई थी? मिश्रा जी के बेटे ने। ये सब यहां पे जितने लोग थे ना वहां पे, सारे गवाह हैं इस चीज के। जब उन्होंने पीछे से जफ्फा डाला था, आगे से इसने गोली मार के भाग गया। तो ये चाहते हैं कि उनकी अंतिम यात्रा निकल जाए और सबूत सारे मिट जाए डेड बॉडी से। हम डेड बॉडी का फिर से ये पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, वो चाहे दिल्ली से करवाया जाए, इस तरीके से डेड बॉडी को अंतिम यात्रा पे नहीं भेजा जाएगा। जो इंसाफ है वो किसानों को मिलके रहेगा। यूपी से यूपी में कोई बात है?
क्या कहाँ पर होना चाहिए? देखिए शरेआम गाड़ी देखी हमने कैसे कुचला मोनू ने। मोनू मिश्रा बाद में भागा गाड़ी से निकल के। अभी तो इन्होंने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। अभी तो और सारी वीडियो हैं जो बाहर आएंगी। कैसे वो बुजुर्ग खड़े थे, कैसे धकेलता हुआ आगे मजदूर को इसे गिराया है। ये है गुंडागर्दी यहाँ पे योगी जी। ये है आज स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं मोदी जी लखनऊ में आके। ये जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक ये लाशें यहाँ पे जो हमारे भाई शहीद हुए ना यही रहेंगे और हम यहाँ पे बैठेंगे और फिर से डॉक्टर की कार्रवाई।